दोस्तों मेरे साथ जुड़े हुए हैं सचिन, जो इंडिया से आए हुए हैं। और इनके बारे में पहले भी मैंने कहा था कि ये एक बड़ा यूनिक केस है। इनकी जो बैकग्राउंड है, एज है और गैप है, और इनका जो पढ़ने का जो एक फोकस है, जो पढ़ना है आगे, उस हिसाब से बहुत सारे लोगों को एक हौसला मिलता है। मेरे साथ सचिन जुड़ चुके हैं। और सचिन, आप कहाँ पर हैं इस वक्त, कौन से शहर में हैं? मैं फ्रेडरिक्टन में हूँ, न्यू ब्रंजिक। देखिए, मैं तो आज तक कभी गया ही नहीं हूँ। मैंने सुना जरूर है फ्रेडरिक्टन वहाँ की कैपिटल है शायद, आई थिंक सो राइट, कि हाँ, एनजी यार, कैपिटल। लेकिन आप पहुँचे हुए वहाँ पर। आपको आए भी कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए आपके, हमारे बात ही नहीं आपसे 10 दिन हो गए यार। इतना आप इतने वो बिजी हो गए, मसरूफियत इतनी आ गई कि बात ही नहीं हो पाई है। एक्चुअली वो प्रेगनेंसीज काफ़ी हो गई थी, तो अभी क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोग्राम शुरू हुए 1 महीना हो गया, तो कुछ टाइम तो वहाँ से कोशिश कर रहे थे हो जाए, बट फिर प्रोग्राम एक्चुअली एक्सटेंसिव 1 साल का है, तो फिर चीज़ें काफ़ी पाइल अप हो गई थी। मेरे को आप ये बताएं कि जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन बताना चाहें अपनी मर्जी से बता सकें, लेकिन मैं कुछ आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन दुनिया को नहीं डाइवोल्ज करना चाहता। लेकिन ये बताएं कि आपका जो जो आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया है अपने पढ़ने के लिए, वो आपके मुताबिक एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है, जो आप सोच रहे थे इंडिया से बैठे बैठे? थोड़ा डिफरेंट है ये, टेक्निकल बहुत ज़्यादा है, मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा टेक्निकल होगा, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट है जो मेरी थॉट थी उससे। आपकी ओपन आप लेवल चक्कर कहाँ है, सिंगर आपकी एक्सपेक्टेशन ऊपर है ना, नीचे तो नहीं? नहीं, ऊपर नीचे का क्वेश्चन नहीं है, उसमें ये हो जाता है कि इसमें कुछ एक्सटेंट तक कोडिंग भी इन्वॉल्व है, कोडिंग हैज़ नेवर बीन माई फोर्टे, तो वो फिर मेरे लिए एक न्यू हो जाती है चीज़। आई नेवर हैड दिस आइडिया कि ये सब चीज़ें रहेंगी, बट एनी वे देर इज लॉट टू लर्न अदरवाइज। Would you like to share with people who are watching this कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और आप आपकी एज अगर बताना चाहे कि आप इतने 20-25 साल के गैप के बाद आपको पढ़ने का जज्बा ये क्या आया, इसका कुछ बैकग्राउंड बताना चाहे तो बताएं। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को ये पूछते हैं कि भाई मेरी तो एज हो गई, मेरी 30 एज हो गई, मेरी 40 एज हो गई, मेरे को वीज़ा क्यों मिलेगा, मैं क्या हूँ स्टूडेंट, मेरे को वीज़ा मिलेगा? वट इज़ योर ओपिनियन? आई थिंक इफ़ यू कैन गेट द स्टडी वीज़ा, प्रीटी मच मैनी पीपल कैन गेट होप फ्रॉम यू। देखिए, मेरे को लगता है वीज़ा एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू जस्टिफाई योर एजुकेशन, जो कि रेलेवेंस में हो, आप जो कर रहे हो या आप जिस फील्ड में रहे हो, आई डोंट थिंक वीज़ा शुड बी अ प्रॉब्लम। वो खैर डाउटफुल तो हम भी थे जब हमने अप्लाई किया था, बट जिस स्पीड में और जिस तरह से वो आया है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगर आप फॉर द सेक ऑफ गेनिंग एजुकेशन अगर आप सोच के आते हो, तो आई एम श्योर यू विल सिलेक्ट द कोर्स विच इज ऑफ योर इंटरेस्ट और आपकी फील्ड का है, एंड इट शुड हेल्प। और मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स हु अप्रोच मी, आई कैन टेल यू फ्रैंकली, यू नो, दे वांट टू गेट इनटू द स्टडी कोर्स एज अ लैडर टुवर्ड्स गोइंग टू पीआर। दे प्रीटी मच दे आर नॉट फोकसिंग ऑन एग्जैक्टली कि मैं क्या पढ़ूंगा और क्या मेरे को एजुकेशन मिलेगी। वो तो कह रहे कहीं भी एडमिशन हो जाए, कहीं भी मिल जाए, आगे मेरे को वर्क परमिट मिलेगा, एंड देन वी आर ऑन योर वे। दैट्स व्हाट बट दैट्स नॉट योर अप्रोच। आई नो, आई हैव टॉक्ड टू यू मेनी टाइम्स। आई थिंक यू आर वेरी सिलेक्ट अबाउट कि आपको पढ़ना क्या है और आपको क्या करना है, क्या करना, यू नो, वगैरह वगैरह जो आगे करना है, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू गो। बट यू हैव अ गैप ऑफ हाउ मेनी इयर्स, 20+ ईयर्स, 25+ ईयर्स ऑफ लास्ट एजुकेशन एंड नाउ? लास्ट एजुकेशन आप मान लीजिए 20+ ईयर्स था, बट 2 साल पहले मैंने फिर IIM से एक प्रोग्राम किया था, IIM इंदौर से। आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प बिकॉज दिस कोर्स इज इन कंटिन्यूएशन टू दैट प्रोग्राम, सो यू कैन सी दैट इट इज़ एन एक्सटेंशन, बिकॉज आई डिड दैट प्रोग्राम इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ओनली, एंड दिस प्रोग्राम वॉट आई एम डूइंग इज अ मास्टर्स इन क्वान्टिटेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये उसका एक वर्जन ही समझ लीजिए। इस तरह का प्रोग्राम इंडिया में है भी नहीं, मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी हैव इन इंडिया। एंड ये MQIM प्रोग्राम कनाडा में भी खाली एक ही यूनिवर्सिटी में है, किसी और यूनिवर्सिटी में भी नहीं। आप तो भाई हीरा हो, आपने हीरा चुना हुआ है, बिल्कुल वहाँ से चुन के यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्ट कोर्सेज में आ गए। लेकिन आपने जो IIM इंदौर से किया, डेट वॉज नॉट जस्ट वॉज लाइक अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम, इट वॉज
आई थिंक आपका जो MBA तो मेरे ख्याल 90s का है, मिडिल 1995 का है। MBA मेरा तो 96 का है, तो MBA तो मेरा बहुत पहले का है। उसके बाद आपने छोटे छोटे कोर्स किए ना, मतलब ये तो बीच में ये डिग्री तो नहीं आई है जो IIM से किया? डिग्री नहीं आई उसके बाद, बट IIM का भी एक्सटेंसिव एक साल का प्रोग्राम रहा है। आई थिंक दैट हेल्प्ड, बिकॉज क्या होता है कि इतने साल के बाद अगर आपने कुछ सोच के अपना एजुकेशन करियर परसू करना चाह रहे हो, तो आई एम श्योर दैट वुड हैव हेल्प्ड रादर देन यू नो माई पिकिंग अप अनदर MBA प्रोग्राम। वो तो फिर कोई लॉजिकल बनता ही नहीं था ना कि मैं MBA कर चुका हूँ, दोबारा MBA करने आऊँ इधर। That's good. That's good. How was your experience at the airport in Canada when they greeted you and then when they ushered you in, and what was your experience? मैंने सुना तो बहुत था, बहुत सवाल पूछते हैं मेरे से, तो दो चीजें पूछी उन्होंने खाली। पहली चीज ये पूछी कि what are you here for? I said I am here for studies. नबला what program? I said MQIM program. उन्होंने और वो जो स्टडी परमिट होता है वो प्रिंटेड ही पड़ा था उनके टेबल पे, उठा के मेरे को दे दिया। आई डोंट नो पढ़ा कैसे था उनके पास, बट वो टेबल पे नहीं, पीछे पड़ा हुआ था, वो लेके आया, दे दिया मुझे काउंटर पे, तो मेरे ख्याल से एक मिनट भी नहीं लगा। जी। बट हाँ, वो क्यू बहुत लंबी थी, तो शायद वहाँ पहुँचने में 2-3 घंटे लग गए। वो दैट वॉज अ लॉन्ग क्यू, बिकॉज स्टडी परमिट वाले अलग डाइवर्ट कर देते हैं ना। In addition, you also have a family, a wife and children. Yeah, but they're in India, back in India. That's right. But if you remember, we had discussed the first time you met me, I mean, we had a consultation, I think in March or April, I don't remember, in this year, about 6 months ago. We had discussed ki bhi family ka karna chahiye, nahi karna chahiye. Then you had suggested ki family ka bhi na kare. Do you remember? Yes, I do. I was, why I, because मेरा जो thought था वो ये था कि देखिए family का होने को हो भी जाता है, आपने कहा भी था कि नहीं हो जाएगा, but we were running too short on time, in the sense कि अगर by chance किसी वजह से rejection आ जाता तो I would not have met the deadline of joining this course. So इसीलिए जो आपसे मैंने discuss किया था, let's do it alone first, because इसमें आई वॉन्टेड टू मेक वेरी श्योर कि मेरे को ये सेशन ज्वाइन करना है कि नहीं करना। अगर परमिट नहीं आता, हम रीअप्लाई करते, तो आई एम श्योर वी वुड नॉट हैव यू नो मेड इट ऑन टाइम, बिकॉज आई सी इन माई कोर्स ऑल्सो देर आर फ्यू पीपल हु आर इन द बूट कैंप एंड यू नो ऑनलाइन स्टडीज, बट दे हैड टू ड्रॉप बैक बिकॉज उनका स्टडी परमिट ही नहीं आया। आई वाज टॉकिंग टू समबडी इन द मॉर्निंग टुडे फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई थिंक दे आर attending a online course of MBA in Canada, and they have already paid the fees or visa, the fees ho gaya, and they are looking to re-register. That sounds like a very risky situation. Ki aap padhai kari ja rahe ho, visa aaya nahi abhi aapka. So which is not good. I'm glad to see you here, and you are looking good and healthy. After you stabilize, of course, after you have checked out everything, आपको क्या करना है, क्योंकि आपके बच्चे भी आने हैं और उनको भी स्कूल जाना है, and wife will also get a work permit, so you can plan out your life के कनाडा में क्या होना है आगे, एक साल के दौरान क्या होना है, आगे क्या होना है, that's important. So a lot of gap, like 25 years plus gap from the last MBA. And quite a number of experience you have in the banking industry in India, and lo and behold, you are on study visa, which is a great Canadian story. Because baki country mein, America wala mein, log kehte hain are ji visa hame kaun dega, itna ho gaya, who will believe me, I'm student something, but Canada is giving a visa, and you are the solid proof that you are here on student visa, and rest of the family will come, and this will be a great addition to Canadian labor force. I'm pretty much very certain that after you graduate from this program, you will work with a very top bank in Canada, you know, one of the top 6 banks in Canada, and you'll get a good job as well. Ab to India jaane ka kuch lagta nahi rahe, this was a good choice, you know, India mein acche the, yahan acche hain. देखिए अभी आई डोंट थिंक आई हैव रीच्ड टू दैट लेवल वेयर आई कुड कंपेयर, बिकॉज अभी तो आई एम ऑक्यूपाइड इन व्हाट आई हैव कम हियर फॉर। माय 100% अटेंशन इज टुवर्ड्स माय प्रोग्राम ओनली, बिकॉज जहाँ जिस चीज़ के लिए पैसे खर्च रहे हो, टाइम खर्च रहे हो, आई थिंक वी नीड टू गिव कंप्लीट जस्टिस टू दैट।
सो अभी राइट बाकी चीजें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं देखी। एंड आपसे तो आप बात कर रहे हो, मेरे घर में बात किए हुए भी दो दो तीन तीन दिन हो जाते हैं एक्चुअली, बिकॉज टाइम डिफरेंसेस हैं, देन लिटिल ऑक्यूपाइड। घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है इस चीज़ के अंदर, दे हैव बीन वेरी अंडरस्टैंडिंग की बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब नहीं करते, हालांकि मिस कर रहे होंगे सारे बच्चे भी, बट यस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। बट इसमें जो मैं आपको खाली एक चीज़ बोलूंगा, इफ यू नो समबडी टेक्स अ क्लू फ्रॉम हियर इज, अब जब हम जनरली एजुकेशन की बात करने जिससे से भी बात करो ना, एवरीबडी यूज टू डिस्करेज कि नो दिस इज यू विल नॉट गेट इट। बट व्हेन आई स्पोक टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली, अब यहाँ पे एज का कंस्टेंट नहीं है कहीं पे भी। सो फर्स्ट थिंग इज कि एडमिशन में पहला बैरियर कहाँ आता है कि आदमी सोचता है कि एडमिशन यूनिवर्सिटी देगी कि नहीं देगी, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज मैंने दो जगह अप्लाई किया था, ये और एक और प्रोग्राम के लिए किया था, बट दोनों जगह एज हैज नेवर बीन अ क्वेश्चन एंड आई हैव बीन वेरी कैटेगरिक इन आस्किंग देम कि इज दिस अ कंस्ट्रेंट और यू नो पॉइंट ऑफ वरी, तो हर किसी ने मना किया। तो इंडिया में लोग वैसे ही इस चीज को सोच के वैसे पीछे हट जाते हैं कि भाई हम पढ़ने की एज नहीं रही। एक बार अगर सचिन आपको अच्छा सचिन होल्ड करना, जस्ट जस्ट वेट फॉर वन वन फ्यू सेकेंड्स। आई एम सॉरी, देयर वाज अ लिटिल डिस्टरबेंस हियर। जी यूनिवर्सिटी, तो आपने कहा यूनिवर्सिटी को तो एडमिशन वो देने को कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, पर बात यह है कि सिर्फ क्योंकि यूनिवर्सिटीज वांट मनी एंड दे वांट क्वालिफाइड पीपल लाइक यू हु आर सीरियस मैच्योर, दे विल स्टडी एंड दे विल गो ऑनवर्ड्स विद द लाइफ। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज एट द वीजा ऑफिसर लेवल। आई मीन द वीजा ऑफिसर मस्ट बी सैटिस्फाइड दैट योर बोनाफाइड्स ऑफ द स्टडी एप्लीकेशंस आर एस्टैब्लिश्ड एंड योर सॉलिड। सो वो है एक जो इमिग्रेशन लॉयर्स और स्टडी वीजा कंसल्टेंट वगैरह वगैरह सबका, इनका जो इनका जो वो चक्कर है ना कि वो है वहाँ पर उस स्टेज पे ओवरकम करना पड़ता है, एंड दैट्स अ चैलेंज। समटाइम्स दे डू, समटाइम्स दे डोंट, एंड आई यू नो आई डू सो मेनी एप्लीकेशंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। आई कैन गिव एग्जांपल इन लाइक अबू धाबी में, दुबई में काफ़ी प्रोफेशनल आप जैसे काम करते हैं बैंकिंग में और अलग इंडस्ट्रीज में, दे हैव अ प्रेटी हार्ड टाइम टू सैटिस्फाई दैट दे आर सीरियस स्टूडेंट्स एंड दे हैव मोर और लेस सेम क्वालिफिकेशंस एज यू आर। एंड सो जस्ट अ वे ऑफ कि उनको एक इमेज बनी हुई है कि यहाँ का जो बंदा है वो स्टूडेंट है कि नहीं, एंड दैट्स हाउ इट इज। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑफ कोर्स योर प्रेजेंटेशन, योर SOP एंड योर फंड्स, योर कोर्स सिलेक्शन, एंड दिस इज अ वाइड यू नो पोर्टफोलियो ऑफ फैक्टर्स विच गोज इनसाइड कि वीज़ा अप्रूव होगा नहीं होगा। वही है ना, वो हम जब हंसते थे उस पर जब कोविड, जब मैं आप इंडिया में तब था और कोविड वहाँ फैला हुआ था, तो कोविड की कौन सी दवाई काम आएगी ये किसी को नहीं मालूम था, किसी को सूट कर जाएगी, किसी को नहीं है, किसी को कुछ है, कोई कोई काढ़ा पी रहा है, कोई पतंजलि कर रहा है, कुछ है, तो ये नहीं पता लग रहा कौन सा फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, वैसे स्टडी वीज़ा में। राइट पर हे आई एम प्रीटी ग्लैड दैट यू मेड इट, एंड आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी कॉल्स फ्रॉम पीपल हु आर गोइंग टू मैरिटाइम, यू नो अटलांटिक प्रोविंस, कोई प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में आया, कोई कोई नोवा स्कोशिया में आया, नोवा स्कोशिया में दो तीन आए अभी रिसेंटली, और आप वहाँ पर न्यू ब्रंसविक में हैं, तो मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं कभी उस तरफ गया ही नहीं हूँ, आई एम स्टक इन एल्बर्टा फॉर द पास्ट 14 ईयर्स। सो कभी देखिए क्या मौका मिलता है, इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा उस तरफ जाने का तो देख कर आएंगे वहाँ पर भी दुनिया कैसी रह रही है। पर हे यू आर मोस्ट वेलकम इफ़ यू आर समवेयर इन एल्बर्टा एनी टाइम, यू प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप इन एंड यू नो You know, we'll have to sit together and just reminisce about what is happening in India. It becomes some Indian news or something. नहीं नहीं शिव बिल्कुल नहीं, तो स्पेशली आ जाएंगे आपसे मिलने ड्यूरिंग दिस पीरियड, अभी तो एक साल है मेरा इधर, जी सो जी आपका आना हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम आ जाएंगे मिलने आपसे, दैट्स नॉट एन इशू। इससे पहले कि मैं इंडिया जाऊँ, क्योंकि मैं तो इंडिया को बहुत मिस करता हूँ, अभी मेरे को इंडिया हुआ आए हुए भी 100 दिन भी नहीं हुआ, आई केम हियर July 1st, जुलाई सितंबर, इट्स बीन सितंबर गोइंग टू अक्टूबर, इट्स बीन ऑनली अबाउट 100 डेज। मैं अभी भी इंडिया को मिस करता हूँ कि इंडिया कब जाने का मौका मिलेगा, और इंडिया तो मेरी आत्मा में बसा हुआ है, एंड आई फील लाइक व्हेन इज द नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू इंडिया, इट्स बीन 3 मंथ्स 4 मंथ्स नाउ, जस्ट गो बैक टू इंडिया समथिंग।
अब जो स्टूडेंट जैसे आप लोग आए एक साल के लिए प्रोग्राम, दो साल के, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मेरे को कोई बोले कि दो साल के यहाँ पर इंडिया नहीं जाना, एक साल के लिए, आई कैन नॉट इमेजिन स्टेइंग सेपरेट फ्रॉम इंडिया फॉर सो लॉन्ग. बट हे, दैट्स मी एंड जस्ट माय, यू नो, माय ओन पर्टिकुलर थॉट्स अबाउट दिस. सो बाकी सब ये जो घर घर किराए पे लिया है, ये हाउसिंग कैंपस है कहाँ पे? ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है. सो दिस इज अ स्टूडियो अपार्टमेंट, तीन शेयरिंग में है. अभी फिलहाल कोई नहीं है एक्चुअली, इसलिए खाली खाली लग रहा है. अच्छा, तो इसमें क्या एक कमरा है, दो कमरे हैं? इसमें तीन कमरे हैं, एक अपार्टमेंट है जिसमें तीन रूम्स हैं, सेपरेट रूम्स हैं. एक रूम है, अच्छा. इनकी तो, और तीन तीन और दो स्टूडेंट जो है वो कहाँ से हैं? वो अभी है नहीं, अभी आए नहीं है, ज्वाइन नहीं किया. कौन से, कहाँ से हो? अभी आई डोंट नो, नो क्लूज. अच्छा, वो आए भी नहीं अभी, मतलब दे विल कम इन दिस. अच्छा, आई होप दे आर ऑफ योर कैलिबर एंड यू नो योर लेवल. I don't know, मेरे को मतलब पूरे मेरे बैच के अंदर इंडिया से तो खाली मैं ही हूँ मेरे पूरे प्रोग्राम में. So that tells you कि भी कितना वो यूनिक और स्पेशल प्रोग्राम है, और उसमें मतलब कि आम स्टूडेंट को एडमिशन देना पॉसिबल नहीं है जो आपका जो प्रोग्राम है. और आपका जो एडमिशन मिला है वो आपके हुनर के बेस पे, आपके स्किल और लेवल और पढ़ाई और जो आपका बैकग्राउंड उसके बेस पे मिला है. मतलब कि चलते फिरते पुर्जे को एडमिशन मिलना उसमें बहुत मुश्किल है उस प्रोग्राम में. और उसमें जितने भी आपके, आप देखना जो आपके जो कैनेडियन स्टूडेंट्स हैं सबके उनका बैकग्राउंड क्या है, जस्ट कंपेयर नोट्स एंड यू नो आई बेट यू इफ यू आस्क देम दे मस्ट बी ऑलरेडी हैड वर्कड इन कैनेडा फॉर लॉन्ग टाइम, और मे बी दे आर वर्किंग इन कैनेडा डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मे बी दे आर वर्किंग इन बे स्ट्रीट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वगैरह वगैरह ऐसे में काम कर रहे होंगे. सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क एंड एक्सचेंज नोट्स एंड यू नो गेट टू नो लॉट ऑफ पीपल. And who knows, out of that cohort, you will get a future job opportunity, a job offer from them. So I can already feel that you have a great future ahead of you. And you know, you and your family will be a lucky addition to the Canadian workforce in times to come. Thank you, sir, aapke support ke liye. I think we've been following your advice since the beginning. So that has helped. सर जी, किस्मत है हमारी और आप मिल गए. आप जैसे अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो उनका वीज़ा लग जाता है और लगता है कि हमने क्या. लेकिन अगर इंडिया इज़ अ बिग कंट्री स्पेशली एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स एंड एप्लीकेशंस. आई डोंट टेक ऑल एप्लीकेशंस, यू नो, समटाइम्स आई फाइंड क्लाइंट्स, समटाइम्स द क्लाइंट्स फाइंड मी. सो इट इज़ जस्ट यू नो मैच मेड इन हेवन, या पुराने जन्म के कोई संजोग हो सकते हैं, ये हो सकता है. बट अदरवाइज you know I've had the luxury of selecting clients and picking and cherry picking clients which I think I can work with them on a long term basis, and that's how we connected. I know we had a talk, a long talk, the first time we were doing consultation, and you know I enjoy talking. You know, people ask me consultation mein kya hota hai, and I, you know, I get to know the personality, I get to know your brain and get to know your thought process. And then I can build a relationship from there, even though it costs money, but eventually it pays off. You know, log mere se puchte hain ki aap baat karne ke paise kyun lete hain. Maine kaha baat karne ke paise lete hain kyunki fayda aapko hone wala hai aage, aur agar fayda nahi hone wala to main aapko bata dunga kuch karne ki zarurat nahi hai. Aap hata ho, change karo, you know, do something else, and at least you will make some you know successful moves and maybe avoid some strategic mistakes which you probably would not even know that you're making some mistakes. I think वो एक डायरेक्शन जरूरी होती है, बिकॉज अगर आप हमारी एप्लीकेशन में देखें, आई थिंक फ्लॉलेस गई है उसमें. अगर कोई भी एक अगर उसमें एरर आ जाए तो इट कॉस्ट टाइम मोर देन एवरीथिंग, बिकॉज टाइम इज समथिंग. स्टडी परमिट के अंदर टाइम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप अगर एक सेशन मिस कर दिया तो देन यू फॉल बैक टू द नेक्स्ट ईयर. That's right. So the soul and spirit of all application is what you write as SOP. SOP में या कवर लेटर में जो हमारा जो कवरिंग लेटर है उसमें हम क्या लिखना है, दैट इज अ डील ब्रेकर बिटवीन के भी. चाहे सारी एप्लीकेशन को कोई पढ़े ना पढ़े, वीजा ऑफिसर्स हार्डली हैव 2-3 minutes टू चेक द फुल एप्लीकेशन. आई डोंट थिंक दे हैव मोर टाइम देन दिस. प्रीटी मच आई एम सर्टेन दैट इवन इफ दे डोंट स्टडी एनीथिंग, डोंट रीड एनीथिंग, दे वुड वॉन्ट टू एक्चुअली रीड द कवर लेटर. कि कवर लेटर में हमारे जो लॉयर्स के कवर लेटर में क्या लिखा है, दे वुड डेफिनेटली मेक अ ग्लांस. आई कैन नॉट इमेजिन कि दे डोंट रीड द कवर लेटर इवन एटलीस्ट यू नो मे बी एटलीस्ट अ फ्यू लाइंस. सो उसमें क्या लिखना है, क्या लिखना, बस वही डील ब्रेकर है. यू नो आई डोंट नो देयर इज एनी मैजिक फार्मूला, इट्स कॉल्ड देयर इज नो मैजिक सॉस टू दिस रेसिपी. बस वही वही चीज़ है, जैसे
आप जब जैसे पोर्टफोलियो आप सिलेक्ट करते हो, कौन से स्टॉक लेने हैं, कौन से देने हैं, किसका बीटा हाई है, किसका वो है, किसमें रिस्क डेविएशन ज़्यादा है, तो यू हैव टू यू नो यू कैन प्रीटी मच रीड एनीथिंग, बट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड स्किल यू नो हाउ टू पिक द विनर्स एंड देन कीप आउट द लूजर्स एंड दैट्स ऑल इट इज. सो इट जस्ट कम्स बाय डूइंग थिंग्स रेपिटेटिवली फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स एंड मेकिंग मिस्टेक्स एंड देन ट्राइंग टू रिफाइन योर आर्ट. दैट्स ऑल इट इज. दैट्स ऑल इट इज. Thank you, Sachin. Take care. Hey, I'm glad that you are here. Thank you so much. Yeah. And what's the time right now? And 8 o'clock? In 8 o'clock? 9 o'clock there? It's almost about 9. It's almost about. Nashta? Oh, sorry, nashta. Kya? Aap dinner wala ho gaya ki nahi? Kya banana hai? Haath se banana hai? Kuch ke banana banaega? Nahi, nahi. Abhi to main khud hi thoda thoda seekh ke aaya tha. Was kar raha. I'm trying to do something on my own. Easy. Okay. Thank you, Sachin. Take care. Thank you so much, ji. Good night. I should see you later sometime. Bye-bye.